आज की इस रेमेडी से आपको मैं चैलेंज करती हूँ कि 7 दिन के अंदर आपका रंग गोरा हो जाएगा और चमकने लगेगा। कस्तूरी हल्दी में इतनी ज़्यादा एंटी एजिंग एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आपकी स्किन को अंदर से हील करता है, बीमारियाँ भगाता है और हेल्दी बनाता है। कस्तूरी हल्दी ना हो तो आप घर में इस्तेमाल करने वाली भी हल्दी 1 चम्मच ले सकते हो, जो कि घर में आम किचन में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा 2 चम्मच आपने इसमें ले लेना है एक बेसन, बेसन यानी ग्राम फ्लोर ले लेना है, और इसके साथ ही आपने ले लेना है 1 चम्मच इसमें मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आराम से आपको किसी भी ब्यूटी स्टोर में मिल जाएगी। 1 चम्मच आप वो ले लें, ये आपकी स्किन को जो है वो टाइट करती है। और इसके अलावा इसका मास्क अगर लगाएं तो स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। इन तीनों चीज़ों का अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इतनी अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि एक जान हो जाए ये, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे किसी कंटेनर में भी सेव कर सकते हो। ये आपका आराम से 1 महीने के लिए काफ़ी होगा, यानी कि आप अगर जितना ज़रूरत हो उतना बना लें। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच ले लूँगी। 2 चम्मच जो होते हैं मेरे ख्याल से इनफ होंगे फेस और नेक के लिए। अगर हाथों पर भी लगाना हो तो आप 3 चम्मच लग सकते हो। इसके बाद इसमें आपने डालने हैं दही यानी कि योगर्ट। योगर्ट जो है इतना हाई एंटी बैक्टीरियल एंटी एजिंग के तौर पे आपके लिए काम करेगा। यहाँ पे ब्राइटनिंग देगा आपकी स्किन को। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दो। 1 चम्मच लोगे तो अच्छा थिक थिक पेस्ट बन जाएगा, मास्क बन जाएगा, और ये आपकी जो है जैसे उपटन जैसा मास्क तैयार हो जाएगा। इसको जो है आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करना है आपने इस तरीके से अप्लाई करना है, इसको ब्रश के साथ आपने अप्लाई करना है। करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको अपने नेक एयर जो है इस तरह हाथों पे भी अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने तक छोड़ना है आपने, ठीक है। 20 से 25 मिनट लगेंगे। उसके बाद सादा पानी से या फिर ठंडे पानी से मुंह धो लेना है। गर्म पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। कॉटन पैड से इसको ड्राई कर लेना है और उसके बाद आप अपनी स्किन में वाजिब फ़र्क देखेंगे और टैन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाथों पे यूज़ करेंगे हाथ सफ़ेद हो जाएंगे। इसको आपने हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना है। स्किन ज़्यादा ख़राब है तो हफ्ते में 4 बार इस्तेमाल कर लें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।